सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में शनिवार को देश के 11वें राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 84वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें याद किया गया। युवा नेता सुनील लारा ने बताया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन और जाने माने वैज्ञानिक व अभियंता के रूप में विख्यात थे। उन्होंने एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 40 सालों तक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को संभाला। डॉक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइलों के विकास के कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। डॉक्टर कलाम को भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए गए। भारत सरकार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में उनकी जयंती को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। आज ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी युग पुरुष की जयंती पर NSY कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष हनीश मारोठिया सहित बड़ी संख्या में NSY कार्यकर्ता मौजूद थे। राष्ट्रपति के साथ साथ उन्हें एक मिसाइल मैन के नाम से पूरे भारत और पूरे देश में जाना जाता है। उसके बाद उन्होंने जो उनके कार्यकाल में जो परमाणु संगठन और कई ऐसे वैज्ञानिक जो उन्होंने देश के लिए जो आज भी देश के लिए बहुत योगदान के रूप में माना जाता है, वो आज भी युवा याद करता है, उनकी सोच को सलाम करता है। और ऐसे व्यक्ति जो वैज्ञानिक के रूप में और एक छात्रों को युवाओं के को हमेशा बढ़ावा देने और देश में जो पूरा उन्होंने सहयोग किया उसको लेकर के आज हम अब्दुल कलाम को सत सत नमन करते हैं और उनको सलाम करते हैं। उसको लेकर के आज हमने यहाँ उनकी जयंती मनाई है। छात्रों और युवाओं को प्रेरणादायी स्रोत के रूप में कार्य किया है। हमें छात्रों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मिसाइल मैन के रूप से नाम से प्रसिद्ध है और इन्होंने काफ़ी वैज्ञानिक अनुप्रयोग किए हैं जो कि आज भारत इसका फ़ायदा उठा रहे हैं इन अनुप्रयोगों का। और साथ ही मैं ये छात्रों को यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक उद्देश्य है अपने APJ अब्दुल कलाम जी ने बनाया था, वही दृढ़ उद्देश्य लेके छात्रों को अपने जीवन में उतारने चाहिए। वही नियम और वही उनके जो इरादे थे वो काफ़ी मजबूत थे। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के मौके पर शनिवार को सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चादर पेश कर दुआ की गई। गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से पेश की गई चादर के दौरान सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। ख्वाजा साहब के गद्दीनशीन खादिम सैयद फखर काजमी चिश्ती ने बारगाह गरीब नवाज में सभी लोगों की ओर से अकीदत के फूल और चादर पेश कर दुआ मांगी और पूर्व राष्ट्रपति मरहूम APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ संदेश दिया। पूर्व राष्ट्रपति जी, स्वर्गीय राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिवस। अब्दुल कलाम साहब का शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है वो इस भारतवर्ष के लिए अनुकरणीय है और महान है। और आज हम शिक्षा के क्षेत्र को और आगे बढ़ाने के लिए उनकी याद को जन जन तक पहुंचाने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह में APJ अब्दुल कलाम की तरफ से उनकी जन्मतिथि पर एक चादर पेश की गई जिसमें तमाम लोग जुलूस की शक्ल में आए और उनकी आत्मा को शांति के लिए दुआ की गई। चादर पेश कर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन शांति रहे इसके लिए।